जब धन के देवता कुबेर जी को यह आभास हुआ कि उनके लोभ के कारण लोभासुर उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, क्योंकि अब उनके कारण ही संसार के समस्त धन पर संकट आ सकता था। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। नहीं, छिपाओ मत, छोड़ो इन्हें। आप मुझे ये प्राप्त क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी श्रम कर तुमने इन्हें प्राप्त करने की योग्यता कहाँ प्रमाणित की है? बिना श्रम के धन प्राप्त करने का लोभ व्यक्ति को अपराधी बनाता है। अपने इस लोभ के कारण तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु कहाँ जाऊँ मैं? आपसे ही उत्पन्न हुआ तो मेरा सर्वस्व तो आप ही हो, फिर आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? लगता है ये ऐसे मुझे स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने नहीं देंगे, मुझे इन्हें छुपाकर प्राप्त करना होगा। मुझे नहीं ज्ञात था मेरा धन का लोभ ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा। इसका इन मुद्राओं का लोभ बिना उन्हें अर्जित किए इन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित कर रहा है इसे। कहीं ये अपने इस लोभ के भाव का विस्तार संपूर्ण संसार में ना कर दे। यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ए, रुक जाओ। उन मुद्राओं को यहीं पे छोड़ दो, अन्यथा इसके अत्यंत भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और सुनो, अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। अब चले जाओ यहां से। आज तो एक ही प्राप्त कर सका मैं, किंतु शीघ्र इन मुद्राओं का पर्वत होगा मेरे पास। कुबेर जी, जितनी मुद्राओं के आप स्वामी हैं, उतनी ही मुद्राओं का स्वामी तो मैं अवश्य बनूंगा। फिर क्या हुआ प्रभु? वो लोभ एक विकार से उत्पन्न हुआ था और अन्य विकारों के समान निरंतर बढ़ता ही गया। जिस दिवस आपने उसे कुबेर जी के साथ देखा था, कुबेर जी उससे सुधरने का आग्रह कर रहे थे। किंतु फिर वो कौन था प्रभु? किस विकार से उत्पन्न हुआ था जो उस वृद्धा माँ को उसके व्यसनी पुत्र से प्रताड़ित करवा रहा था? और मैंने उसी को माता पार्वती के साथ संवाद करते हुए भी देखा। वो एक अन्य अत्यंत भीषण विकार, मोह से उत्पन्न होने वाला दूसरा असुर था, जिसने माँ की ममता का रूप धारण किया था। ये वो मोह ही था जो आपके प्रति माता पार्वती की ममता बनकर आपके समक्ष प्रकट हुआ था। ये सत्य है गणेश जी, आपको जन्म देने के उपरांत माता पार्वती का आपके अपनी संतान के प्रति मोह ने उस ममता को उत्पन्न किया, जिस पर स्वयं उनका ही कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसी ममता जो उचित और अनुचित का भी भेद भुला देती है। और जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि आपका शीश आपके धड़ से विलग करने वाले और कोई नहीं स्वयं प्रभु महादेव है, तो एक अन्य विकार क्रोध ने उनको अपने वश में किया और फिर ये दोनों विकार अपने चरम पर पहुंच गए, जिस कारण माता पार्वती ने महादेव को ही दोषी ठहरा दिया। उसके शीश को कैसे विलग किया आपने?
क्रोध और मोह के विकारों के मिश्रण से ममता ऐसे चरम पर पहुंच गई कि उसके परिणाम स्वरूप जो नकारात्मकता उत्पन्न हुई, उसने छोटे कणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप धारण करना आरंभ कर दिया। और फिर जब माता का क्रोध भी अपने चरम पर पहुंचा, तो उसी क्षण ममतासुर ने अपना आकार लेना आरंभ कर दिया था। आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, किंतु मैं करता भी क्या? उसने विवश कर दिया था मुझे। हे देवादी देव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। और तब जब माँ की ममता से उत्पन्न उनका वो क्रोध और बढ़ा, तो नकारात्मकता के उन बीज रूपी कणों को जीवन प्राप्त हुआ। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। इस प्रकार मोह विकार के चरम से उत्पन्न हुई ममता ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर असीम क्रोध का रूप ले लिया, तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक नकारात्मकता को उत्पन्न कर उसमें प्राण भर दिए। और इसका आभास तब किसी को भी नहीं था। और फिर उस घृणित वातावरण में जिसने अपना आकार लेकर पनपना आरंभ किया, वो ममता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और फिर अनेकों वर्षों के उपरांत वही जीव ममतासुर के रूप में प्रकट हुआ और फिर अपने जन्म के उपरांत ममतासुर ने ममता के चरम के उस नकारात्मक भाव का विस्तार करना आरंभ किया, जिसके कारण माता पिता अपनी संतानों को उचित संस्कार सिखाने के स्थान पर उन्हें अपनी ममता से पथभ्रष्ट ही करने लगे, उन्हें विकार ग्रस्त होने की अनुमति देने लगे। ये लो पुत्र, ये खा लो। नहीं नहीं खाना मुझे। पुत्र, अच्छा पुत्र को खीर नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। निर्दोष पक्षियों को कष्ट देना अधर्म है वत्स। मेरे पुत्र को इस प्रकार उलाना नहीं दे सकते आप गुरुदेव, इसकी जो इच्छा होगी वो करेगा मेरा पुत्र। हाँ प्रभु, मैंने भी इसकी उपस्थिति में एक पुत्र के हाथों माँ को प्रताड़ित होते देखा था। हाँ, ये ममतासुर का ही प्रभाव है, जिससे एक माँ अपनी संतान की हर भूल और अपराध को क्षमा कर उसे उचित मार्ग दिखाने से चूक जाती है। इसलिए जब माँ पार्वती को उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने उससे भेंट की, जिससे वो ममतासुर को समझा सके और उसे यह अधर्म करने से रोके। और जो मुझे दिखाई दिया उसके अनुसार तो वो ममतासुर अपने विकारों का परित्याग करने के लिए तैयार ही नहीं था। ये तो अत्यंत दुख की बात है कि स्वयं माँ से भी एक भूल हुई, जिससे इतना प्रभावी और भयंकर महाअसुर उत्पन्न हो गया। माता पार्वती से ही नहीं, भूल तो स्वयं महादेव से भी हुई थी, जिसके कारण तीसरे असुर कामासुर का जन्म हुआ था। पिताश्री से भूल हुई थी? हाँ गणेश जी, ये एक कटु सत्य है कि स्वयं जगत पिता महादेव उस तीसरे असुर के जन्म का कारण बने। और ऐसा तब हुआ जब प्रभु महादेव ने अपने आराध्य प्रभु नारायण के उस रूप में उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, जो उनका सर्वाधिक मनमोहक रूप है। हे नारायण, आपकी मधुर मुस्कान से युक्त आपके प्रभु दर्शन पाकर समस्त संसार को ही नहीं अपितु मेरे हृदय को भी अपार सुख की अनुभूति होती है। और जब इस रूप में आपके दर्शन पाकर
मेरा मन इतना हर्षित है प्रभु, तो आपके मोहिनी रूप की मधुर मुस्कुराहट के प्रभाव से तो असीमित दिव्यानंद का अनुभव अवश्य होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य आएगा जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने का अवसर प्राप्त होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य अवसर प्राप्त होगा। महादेव, आपकी इच्छा तो मेरे लिए आदेश के समान है। प्रणाम प्रभु महादेव, मैं मोहिनी रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके इस अनूठे दिव्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे महादेव, अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। प्रणाम महादेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, मुझे अर्थात कामासुर को उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसका सुअर था ये? ये तो एक बहुत बड़ी भूल का परिणाम है, ऐसी भूल जो जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी प्रमाणित होगी। कामासुर का जन्म उस समय अवधि में हुआ जब महादेव ने विष्णु के मोहिनी अवतार को देखा और फिर उत्पन्न हुआ वही कामासुर। काम के रूप में संसार के सर्वत्र भाग में प्रसारित हो गया।
श्रीमान, सब्जी वापस क्यों रख रहे हैं? मुझे दीजिए ना। और इस प्रकार महादेव से उत्पन्न होने वाला कामासुर संसार और समाज को काम भावना से दूषित कर उन्हें जीवन के उचित पथ से भ्रमित करने लगा। हाँ प्रभु, मुझे स्मरण है, जिस दिवस मैंने उस कामासुर को पिताश्री के साथ देखा था, उसी दिवस वो एक भक्त को अपने दुष्प्रभाव से ग्रस्त कर प्रभु की आराधना से भटका रहा था। किंतु फिर महादेव का वहाँ उसके साथ होने का क्या कारण था? गणेश जी, उस दिवस प्रभु महादेव कामासुर को यही चेतावनी दे रहे थे कि वो संसार और समाज को अपने प्रभाव से दूषित करना रोक दे। किंतु उसके हाव भाव से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पिताश्री की चेतावनी के उपरांत भी अपने स्वभाव और आचरण में तनिक भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ गणेश जी, विकार एक बार जागृत हो जाए, उन्हें बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो फिर उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन होता है। और ये तीनों भी अपने स्वभाव और आचरण में कोई परिवर्तन लाने के लिए न तो तैयार थे, न ही इसके लिए उन्हें कोई विवश कर सकता था। क्योंकि इन तीनों असुरों का जन्म होने के कुछ समय उपरांत जब प्रथम बार इनकी भेंट हुई तो हम तीनों विकार साकार और आकार तो हो गए। साकार हो गए हैं तो अपना कार्य भी करेंगे। हाँ हाँ करेंगे ना, विस्तार अपने अपने विकारों का। तभी तो बढ़ेगी हमारी शक्ति, वो शक्ति अपने चरम पर तब पहुंचेगी जब हम तीनों अमरत्व को प्राप्त होंगे। अमरत्व? किंतु अमरत्व की शक्ति के लिए तो भक्ति करना अनिवार्य होगा। भक्ति? अब समझ में आया कि उस भक्ति को समूल नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम उसे अपनाएंगे और करेंगे तप। तप? घोर तप। ओम नमः शिवाय। Shiva.
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं ना केवल विकारों को जन्म देती हैं, अपितु व्यक्ति के सरल जीवन को भी उलझा कर उसे बाधित कर देती हैं।